तो हेलो व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब लोग? मैं आपका दोस्त अर्श। तो आज मैं फिर से आया हूँ प्रतुना मेरिया के अंदर, पर कुछ नया दिखाने के लिए। बिकॉज कल आपने देखा था इंदिरा मॉल के जो पीछे वाला जो एरिया है, जो रेस्टोरेंट का मैंने जो पार्ट कवर किया था, तो आज मैं कवर करूँगा जो वाटर गेट मॉल से लेके जो आपका कॉर्नर वाला ये मॉल है जिसका नाम है पैलेडियम, और उसके बाजू में जो मॉल है जो क्रॉस में मॉल प्लेटिनियम मॉल, तो उसका मैं आपको थोड़ा सीन दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं अभी। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ राजा परब की सॉई नंबर 2 के पास में, इंदिरा मॉल के आसपास और बायोक टावर के सामने एग्जैक्टली, राइट। तो आपने ये एक होटल देखा होगा जिसका नाम है सेंटारा वाटरगेट पेविलियन, राइट। और आप ये साइड में देखोगे तो नोवोटेल होटल दिख रहा है, राइट, जो प्लेटिनियम मॉल वाला। तो यहाँ पे मेरे सामने है वाटरगेट। तो इसके अंदर मेरे बहुत सारे इंडियन भाई है, और इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, और श्रीलंकन जो आसपास के लोग हैं इंडिया के आसपास, वो बहुत सारे लोग की यहाँ पे शॉप्स है अंदर में, जहाँ पे टॉयस वो लोग सेल करते हैं, कॉस्मेटिक सेल करते हैं, और जो टूरिस्ट के लिए जो सुवेनियर की शॉप होती है तो यही मॉल के अंदर है, राइट। और ये मॉल की एक खासियत है कि इसमें रेंट बहुत चीप मिलता है, 7 से 8 हज़ार बाद के अंदर आपको मंथली शॉप मिल जाएगी। इसमें छोटी छोटी शॉप है, तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो आप यहाँ पे बिजनेस ओपन कर सकते हैं, राइट। तो जब भी ये थाईलैंड ओपन होगा और जिसको भी यहाँ बिजनेस करने का कुछ प्लान है, कुछ आइडिया है आपको, तो यहाँ के आप शॉप ले सकते हैं, ऑफिस खोल सकते हैं, और आपका बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आपको कंपनी बनाने के लिए पेपर्स भी आपको मिल जाएगा यही मॉल की तरफ से, तो आपका लॉयर आपके लिए सब कुछ पेपर करके रेडी कर देगा, बाद में आपका वर्क परमिट और आपका वीज़ा हो जाएगा, राइट। तो ये एक लोकेशन अच्छा है हमारे इंडियन भाइयों के लिए बिजनेस करने के लिए, राइट, ये सही लोकेशन है, और एरिया भी बहुत अच्छा है ये वाला मेन रोड पे। और वो जो दिख रहा है मेरे सामने एग्जैक्टली इंदिरा मॉल, राइट। तो इंदिरा मॉल से आप यहाँ से जस्ट 5 मिनट वॉक पे आ सकते हैं, बहुत इजी है ये लोकेशन। और दोस्तों दूसरी एक अच्छी बात है, इसके ऊपर एक 4-स्टार होटल है जिसका नाम है सेंटारा वाटरगेट पेविलियन, राइट। तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको रहना है कुछ 4-स्टार होटल में एंजॉय करना है, तो सबसे बेस्ट लोकेशन भी ये है, और मार्केट्स में आपको शॉपिंग करना है, आसपास इंदिरा मॉल है और बहुत सारे यहाँ पे मॉल है प्लेटे। और दोस्तों हमारे लिए इंडियन के जो भाई है जो यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए क्यों इजी है, बिकॉज़ यहाँ इसके पीछे बहुत बड़ा पार्किंग है, तो रोज़ यहाँ से 30 से 40 इंडियन टूरिस्ट की बस पार्क होती है, राइट। तो जितना टूरिस्ट लोग जो पार्किंग टाइम होता है 3 to 4 आवर, तो वो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, इंदिरा मॉल में जाते हैं और इसके अंदर जाते हैं। 90% टूरिस्ट यहाँ पर ही आते हैं, बिकॉज़ उनको 3-4 घंटा का टाइम देते हैं गाइड लोग, और बताते हैं कि भाई आप शॉपिंग करके आओ, यहाँ पे आपकी बस खड़ी है। तो ये एरिया इसके लिए प्राइम लोकेशन है, अगर आपका शॉप है तो आपका बिजनेस बहुत स्मूथली यहाँ पे चलेगा, आपको कस्टमर ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, कस्टमर आपका शॉप ढूंढते ढूंढते आएगा। दोस्तों ये वाला उसका बोर्ड है जो मैंने ये बताया, ये मॉल का यही लोकेशन है, सेंटारा वाटरगेट पेविलियन होटल, राइट, और उसके नीचे ही है ये वाला मॉल, ठीक है। तो देखो दोस्तों अभी सब कुछ शॉप तो यहाँ पे क्लोज है बिकॉज ऑफ कोविड, पर ये वाली सब शॉप है देखो, बहुत अच्छे लोकेशन में, ओनर ने अभी यहाँ पे क्लोज कर रखी हुई है दोस्तों। और ये मॉल के अंदर एक सबसे बड़ा इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है इंडिया गेट। लगभग उनका मेरे को आइडिया है तब तक 400 से 500 लोग वहाँ पे लंच या डिनर कर सकते, इतना बड़ा उनके पास कैपेसिटी है, और जायंट उनके पास किचन भी है। तो ये वाला जो नाम दिख रहा है आपको इंडिया गेट, और दोस्तों आप देख पा रहे हो मेरे सामने और एक मॉल है जिसके जो मैं अभी वाटर गेट मॉल पे था वहाँ से जस्ट 1 मिनट वॉक पे है ये वाला मॉल जिसका नाम है पैलेडियम मॉल, राइट। तो इसके अंदर आईटी का सामान मिलेगा आपको, कपड़ा मिलेगा, कॉस्मेटिक मिलेगा, बहुत सारा कुछ। पैलेडियम मॉल याद रखना आप, बिल्कुल कॉर्नर पे ही है ये वाला। तो दोस्तों अभी ये पैलेडियम मॉल के नीचे अभी आपने देखा होगा केएफसी था, और उसके आगे अभी शॉप सब खुल गया है अभी, जो थाई स्ट्रीट फूड का सब शॉप है, राइट, जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है उनका शॉप अभी ओपन है यहाँ पे। बाकी रात को यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट लगता था। और ये मॉल में भी एक खासियत है कि हमारे इंडियन भाई की बहुत सारी शॉप ये मॉल के अंदर भी है, और सस्ते में आपको मिलती है ये मॉल। और दूसरा एक अपडेट है, यहाँ पे अभी स्टारबक्स का भी अभी ओपन हो गया है कैफे, पहले यहाँ पे था मैकडोनल्ड्स, पर अभी उसके जगह स्टारबक्स ओपन है, ठीक है। और अभी मैं एग्जैक्टली सामने हूँ आपका प्लेटिनियम मॉल के सामने, राइट, और मेरे सामने है नोवोटेल होटल ये वाला, ये ग्लास टावर है नोवोटेल होटल। और इसके आगे आगे अगर मैं जाऊंगा तो आएगा सेंट्रल वर्ल्ड, बिग सी, ये सब एरिया वहाँ पे आएगा। तो दोस्तों अभी मेरे सामने है प्लेटिनियम फैशन मॉल, ये वाला प्लेटिनियम,
और उसके बाजू में है नोवोटेल होटल, जो मैंने आपको टावर दिखाया ग्लास वाला टावर, ये वाला नोवोटेल हार्को का सामान है। यहाँ से जाएगा अभी पैक होकर आगे। मेरे सामने ये वाला जो होटल देख रहे हो, जिसका नाम है अमारी, 5-स्टार होटल है ये वाला अमारी, और बहुत फेमस और लग्जरी होटल है ये। फिलहाल अभी क्लोज नहीं है, पर ये खाली चालू है स्टेट क्वारंटाइन के लिए, जो क्वारंटीन होते हैं उनके लिए। और ये होटल एग्जैक्टली सामने है प्लेटिनियम मॉल के एग्जैक्ट सामने। ये वाला कॉन्डो है और उसके नीचे ग्रैंड डायमंड प्लाजा है, उसके अंदर ज्वेलरी का सामान बहुत मिलता है। और इसके बाजू में है प्लेटिनियम मॉल, पर अभी फ़िलहाल बंद है। मैंने चारों डोर चेक किया पर अभी क्लोज़ किया हुआ है वो लोग ने, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस में भी बड़े बड़े मॉल को क्लोज़ करना ज़रूरी है, इसके लिए ये लोग ने क्लोज़ किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों सब होलसेल का शॉप हुआ करता था, पर अभी ये भी क्लोज़ है, जिसका नाम है क्रुंगथोंग प्लाजा, लेडीज़ के कपड़े के लिए सबसे फेमस प्लेस, ये भी अभी बंद है। और दोस्तों और एक नई बात है, यहाँ पे मेरे सामने जो मॉल है, पहले उसका नाम हुआ करता था पांतिप मॉल, जो मेरे दोस्त यहाँ पे है उसको मालूम होगा पांतिप आईटी मॉल, तो उसकी जगह ये लोग ने अभी AEC ट्रेड सेंटर, अभी लोग ने इंटीरियर भी चेंज किया है और बहुत सारी शॉप अभी नई है अंदर, राइट। तो स्पेशली फेमस है आईटी के लिए, जिसको होलसेल में बाई करना है आईटी का सामान, जो भी इलेक्ट्रॉनिक है मोबाइल का सब कुछ, तो यहीं से आप कर सकते हैं। और दाम भी बड़ा चीप होता है यहाँ पर, एक्सपेंसिव नहीं है इतना। यहाँ पे आप ड्रोन वोन भी यहाँ से ही ले सकते हैं, कैमरा से ड्रोन से, जो भी आपको आईटी रिलेटेड चीज़ चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यहीं से मिल जाएगी इजीली। और दोस्तों अभी थाईलैंड में जो अभी ये टोयोटा वाली टैक्सी है, अभी सब SOS वाली हो गई है। अगर आप टैक्सी में बैठते हो कुछ भी प्रॉब्लम है तो अंदर SOS का स्विच आपको दिया हुआ है, आप सीधा क्लिक करोगे पुलिस को कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर टैक्सी अभी अपडेटेड है और न्यू मॉडल में सब में ये चीज़ अवेलेबल है, GPS है, जो अभी लेटेस्ट की जो सिस्टम ज़रूर है जो टैक्सी बिजनेस में, सब कुछ इसमें अपडेटेड है ये वाला में, ठीक है। और उसके बाजू में मैंने एक शॉप देखा, ये अभी नया ओपन हुआ है, 28ml, तो आई थिंक ये वाला कॉफ़ी काफे है। अभी मेरे को दिख रहा है काफे अमेजोन, ये जो आप सामने दिख रहे हो काफे अमेजोन, ये वाला ओपन है, स्वीट एंड डेजर्ट स्टोर है ये वाला। सबसे टॉप में अगर आप नाम बोलो तो ये ब्रांड का था है आफ्टर यू, हर एक मॉल में उसका फ्रेंचाइजी रखा हुआ है आफ्टर यू डेजर्ट का, ये वाला। दोस्तों सेकंड डोर भी उसका क्लोज़ है, जो एग्जैक्टली इसके बाजू में है जो आफ्टर यू के, वो भी क्लोज़ है। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस, ये भी क्लोज़ है। अभी बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मॉल वॉल ये लोग ने क्लोज़ करके रखा हुआ है। ये है मैकडोनल्ड्स, और उसके बाजू में है क्रिस्पी क्रीम, जो डोनट का शॉप है, जैसे डंकिन डोनट्स आता है वो, ये अभी फ़िलहाल क्लोज़ किया हुआ है, बाकी पहले ये ओपन रहता था, अभी ये लोग ने क्लोज़ किया है। तो दोस्तों मेरे सामने एग्जैक्टली दिख रहा है जो पैलेडियम मॉल है वो वाला, जो मैंने आपको नीचे से दिखा है ना पैलेडियम मॉल, जो यहाँ का सिग्नेचर टावर भी है उसके ऊपर, और यहाँ पर बड़ा 2-3 स्क्रीन लगा हुआ है, तो ये वाला है पैलेडियम मॉल, रिटेल काउंटर के लिए बेस्ट है वो। और ये वाला प्लेटिनियम मॉल नोवोटेल का नीचे ऑफिस है, जहाँ से आप एंट्रेंस कर सकते हैं। और एक नई अपडेट है, ये आपको मालूम होगा, ये कैनाल इसके अंदर बोट जाती है, जो आपको 20 से 25 बाट के अंदर पूरा बैंकॉक घुमाती है यहाँ से जो बोट। तो पहले जो बोट में हमिंग होता था वो अभी बंद हो गया है, बिकॉज ये सब बोट ये लोग ने EV कर दी, इलेक्ट्रिक बोट कर दी ये लोग ने। तो ये एक नया अपडेट है, जब आप आओगे ये बोट में, अगर आप जाओगे तो आपको मालूम होगा कि क्या चीज़ अंदर नया हुआ है। और बहुत सारी बोट ये लोग ने चेंज भी कर दी नया मॉडल के साथ, जो फाइबर बोट ला दी ये लोग ने वुडन की जगह। वो जो सामने आपको कैनल देख रहा है ना, वो दोनों साइड में उनका स्टेशन है, 2-way का स्टेशन है, ये साइड भी स्टेशन है, ये साइड भी स्टेशन है। आपको कहीं पे भी जाना है बैंकॉक में तो यहाँ से आप बोट ले सकते हैं इजीली। तो दोस्तों ये ब्रिज का नाम है आर वॉक, राचा प्रासोंग आर वॉक, ठीक है। तो बहुत नीट एंड क्लीन है दोस्तों, मज़ा आता है यहाँ पे वॉक करने में, अच्छा लगता है, क्योंकि जब धूप होती है, बारिश होती है, नीचे ट्रैफिक होता है, तो चलने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टूरिस्ट होता है तब, तो
तो अभी जब से ये बने हैं तब से बहुत इजी हो गया वॉकिंग करने के लिए, आप इजीली जा सकते हैं। और एक दोस्तों नई अपडेट है, बाजू में गार्डन भी ओपन हो गया है कि जो पतूना में गार्डन की बहुत ज़रूर थी। तो नेक्स्ट टाइम आप थाईलैंड में आओगे तो आप इसका एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा गार्डन बनाया है ये लोग ने, देखो आप राइट। सी फूड लवर के लिए ड्रैगन सी फूड, जो चाइनीज़ सी फूड यहाँ पे मिलता है, बहुत सारे चाइनीज़ टूरिस्ट यहाँ पे उनका फूड एंजॉय करते थे ये वाला प्लेस पे। और इसके बाजू में आप सॉय जो देख रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्सचेंज की ऑफिस, अगर आपको ज़्यादा डॉलर चेंज कराने हैं, ज़्यादा करेंसी आपको चेंज करानी है तो ये सॉय के अंदर आप आके आपका आईडी बना के आप कर सकते हैं, बहुत ईजीली है। तो करते हैं वीडियो का दी एंड, मिलेंगे और एक नए वीडियो के अंदर और एक नए कंटेंट के साथ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट जरूर ठोक देना, ठीक है। तो ख्याल रखना आपका, बाय बाय, सी यू।